एड़ी उठाने से कद नहीं बढ़ा करते, चीन की दोस्ती से अमेरिका नहीं हुआ करते। अरे गलतफहमी पालने वाले इमरान खान मिसाइल रखने से तुर्रम खान नहीं बना करते। मिसाइल छोड़ने की धमकी देने वाले इमरान की हालत बरसात में जलने वाली छुरछुरी सी हो गई है। पाकिस्तान में जान की कीमत तो पहले भी नहीं थी, अब भी जिंदा इंसानों की जिंदगी को मुर्दे की तरह समझा जा रहा है। पाकिस्तान में खाने का इंतजाम हो ना हो, दफनाने का पूरा इंतजाम हो रहा है। खबर है कि पाकिस्तान की सिंध सरकार ने कराची में नया कब्रिस्तान बनाया है। इस कब्रिस्तान में कोरोना संक्रमित लोगों को दफनाया जाएगा। सिंध प्रांत में कोरोना से अब तक 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, इसलिए सरकार ने सुपर हाईवे और शहर के नेशनल हाईवे को जोड़ने वाले लिंक रोड पर ही कब्र के लिए 80 एकड़ जमीन दे दी। ये सिर्फ सिंध की हालत नहीं, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने ऐसे 5 कब्रिस्तानों को मंजूरी दी है। यानी सरकार को पहले से पता है, जो अस्पताल आया समझो उसका टपकना तय है। इसलिए काहे के लिए माथापच्ची करे, काहे के लिए वेंटिलेटर मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम करे, सीधे कब्रिस्तान का इंतजाम सही रहेगा। यही है पाकिस्तान की कोरोना से लड़ने की सबसे अहम तैयारी, कि जैसे ही कोई दम तोड़ेगा उसकी सीधी डिलीवरी बिन कासिम के कब्रिस्तान में की जाएगी। और इमरान सरकार की नेक दिली देखिए कि दफनाने का सारा इंतजाम सरकार अपने खर्चे से करेगी। मतलब इमरान खान खाने का इंतजाम करे ना करे, दफनाने का इंतजाम पक्का है। वैसे ही इस वक्त इमरान खान की हवा टाइट है, बीवी के दिए ताबीज का असर काफूर हो गया, माला जपने से भी विरोधी दलों का दबाव कम नहीं हो रहा है। बेचारे इमरान कर्ज माफी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मुल्क का एक बड़ा तबका ऐसा है जिसने इमरान खान को एक नाकाम प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है और लगातार कोरोना वायरस के तहत अपने प्रधानमंत्री की नाकामियों की आलोचना कर रहा है। सरकार की बेवकूफी और बेहूदगी के साथ साथ उसकी लालच की वजह से लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अस्पतालों में फंड की कमी हो गई है, लेकिन सरकार ने कब्रिस्तान की एडवांस बुकिंग कर दी है। हालात तो ऐसे हैं कि डायरिया भी हो जाए तो मरीज मर जा रहे हैं, कोई दवाई नहीं मिल रहा अस्पतालों में। लेकिन इमरान की बातें सुनिए तो गोला और तोप हमेशा तैयार रहता है। इसे ही कहते हैं, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने।